जय हिंद दोस्तों। तो आज हम समझने वाले हैं जो सूर्य ग्रहण होता है क्यों होता है, आखिर ये सूर्य ग्रहण होने की वजह क्या है, और सूर्य ग्रहण कितने समय तक होता है, सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ता है, सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहण की। ग्रहण क्या होता है? ग्रहण की यदि हम बात करें तो यह एक खगोलीय घटना है, खगोल में होने वाली घटना है। जब भी कोई ग्रह दूसरे ग्रह को ढक लेता है, क्या कर लेता है, जब भी कोई ग्रह दूसरे ग्रह को ढक लेता है तो उस स्थिति को ही कहा जाता है क्या, ग्रहण। अब हम समझते हैं सूर्य ग्रहण कैसे होता है। तो देखिए, जो हमारी पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी कैसे गति करती है, एक तो अपने अक्ष पर घूमती है पृथ्वी, और एक सूर्य के आसपास भी चक्कर लगाती है पृथ्वी, है ना। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है उसके कारण से क्या होता है, दिन और रात की घटनाएं, दिन रात की घटनाएं कैसे होती है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण होती है दिन रात की घटना। और पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है उस समय होते हैं क्या, मौसम परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन। ये सारी घटनाएं किस कारण से होती हैं, जब सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है पृथ्वी। तो पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा किसका, अरे चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, इसलिए उपग्रह होने के कारण चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा। अब ये जब चक्कर लगा रहे हैं तो सब एक दूसरे के रास्ते में कहीं ना कहीं आएंगे, और रास्ते में आने के कारण एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे को ढकेंगे भी सही। इसी कारण से क्या स्थिति उत्पन्न होगी, ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होगी। तो चलिए समझते हैं हम ग्रहण की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है। देखिए, जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी हमेशा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करती है। कैसी गति करती है, पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करती है। जब पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करती है तो ग्रहण की स्थिति कैसे बनती है, समझिए पूरा आप अच्छे से। ये पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति कर रही है, यहां बीच में क्या है, सूर्य है। इस सूर्य के आसपास क्या करती है, पृथ्वी गति करती है। ऐसे इस दिशा में पृथ्वी सूर्य के आसपास गति कर रही होती है, और इस पृथ्वी का ये मान लीजिए यहां पर है पृथ्वी, इस पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, यह है पृथ्वी, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। और यहां पर है कौन, चंद्रमा, ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है, ऐसे भैया इस दिशा में चंद्रमा लगाता है किसका चक्कर, पृथ्वी का चक्कर। ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, और ये है पृथ्वी, ठीक है। इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं सब एक दूसरे का। मान लीजिए ये पृथ्वी यहां पर स्थित है, अभी चक्कर लगा रही है। जब पृथ्वी चक्कर लगाती लगाती आ गई है यहां वाली सिचुएशन में, और ये चंद्रमा यहां पर है, ठीक है, चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाता लगाता आ गया है यहां वाली सिचुएशन में। इस स्थिति में आ गया है चंद्रमा, यहां पर है पृथ्वी, और यहां पर है सूर्य, ठीक है। सूर्य के सामने, सूर्य के सामने कौन आ गया है, अब चंद्रमा आ गया है। किसके, पृथ्वी और सूर्य, इन दोनों के बीच में कौन आ गया है, चंद्रमा। जब भी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो देखिए चंद्रमा यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ गया तो हम सूर्य को प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे क्या, नहीं देख पाएंगे। बस इसी स्थिति को क्या कहा जाता है, सूर्य ग्रहण। ये वाली जो स्थिति बनकर आई है हमारे सामने, इसी स्थिति को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, आप लोगों को समझ में आ गया, पृथ्वी और चंद्रमा इन दोनों के बीच में कौन आ, पृथ्वी और सूर्य इन दोनों के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक तो आंशिक रूप से थोड़े से समय में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, और एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण में कैसा होता है, सूर्य का हमें
कुछ भाग दिखाई नहीं देता। ठीक है, वलयाकार रूप में यदि हम देखें तो सूर्य का हमें ऐसे वलयाकार भाग दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण की यदि हम बात करें तो पूर्ण सूर्य ग्रहण में हमें सूर्य नहीं दिखाई देता, सूर्य की सिर्फ जो बाहरी परत होती है वही दिखाई देती है पूर्ण सूर्य ग्रहण में। इस बाहरी परत को कहते हैं कोरोना, सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। सूर्य अधिकतम जो सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण यदि आपसे पूछ ले अधिकतम कितने समय तक होता है, तो मैक्सिमम जो सूर्य ग्रहण का टाइम होता है वह 7 मिनट और 40 सेकंड, कितना 7 मिनट और 40 सेकंड का हो सकता है अधिकतम सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण हमेशा 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 सिर्फ अमावस्या को होता है। कब होता है सूर्य ग्रहण, हमेशा अमावस्या को होता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आप लोगों से कोई पूछे हमेशा सूर्य ग्रहण कब होता है, तो अमावस्या को होता है हमेशा सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना 7 मिनट और 40 सेकंड। सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य की कौन सी परत दिखाई देती है, तो सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य की जो परत दिखाई देती है उसे कोरोना परत कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थिति आपको समझ में आ गई। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण की स्थिति कहते हैं। सूर्य ग्रहण से क्या प्रभाव पड़ता है, तो सूर्य ग्रहण को कभी भी हमें सीधी देखना नहीं चाहिए, सीधी आंखों से देखना नहीं चाहिए, इससे हमारी आंख पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। सूर्य ग्रहण से तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब भी सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है उस समय तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस वर्ष का यह आखिरी सूर्य ग्रहण होने वाला है। इस वर्ष में एक सूर्य ग्रहण हुआ था 30 अप्रैल को, लेकिन वह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया था। ठीक है, इस वर्ष का यह कौन सा सूर्य ग्रहण है, लास्ट सूर्य ग्रहण है। एक पूर्ण सूर्य ग्रहण की अगली घटना आप देखने वाले हैं कब, अब 2034 में आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। है ना, अपन ने सूर्य ग्रहण की कितनी 3 स्थितियां देखी है, आंशिक सूर्य ग्रहण, एक वलयाकार और एक पूर्ण सूर्य ग्रहण। इसमें से पूर्ण सूर्य ग्रहण की जो घटना आपको अगली दिखाई देने वाली है वो कब दिखेगी, 2034 में दिखाई देगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सूर्य ग्रहण अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।